अभी तक में हम लोग का 10th लेक्चर खत्म हो गया। अभी इससे पहले मैं आप लोग को बताया था कुछ, उस दो तीन चीज इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर में देखोगे तो मैं बताया था आप लोग को कुछ, अभी बोला भी था कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व एग्जांपल पढ़ेंगे किसके पहले का, 6.2 से पहले का। तो देखो इसमें का सॉल्व एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखो, क्या दिया, एन ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री, लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, रूट में दिया है 3 = 1.73। मीन्स इसका मतलब क्या है, अभी इसको मैं समझाऊँ, ए एन ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री, लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, मीन्स क्या होता है कि कोई चीज एक ट्री है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर दूरी से, एक सपोज कोई पेड़ है ट्री है उसके हम लोग 10 मीटर डिस्टेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ, टॉप ऑफ ट्री मतलब एकदम ऊपर। तो उसके लिए हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, आप लोग को बताया था एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेशन मतलब क्या होता है कि ऊपर का जो आपको एंगल बनता है ऊपर का भी, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में इससे पहले वाले में मैं आप लोग को बताया था, क्या बताया था, एलिवेशन मतलब नीचे और डिप्रेशन मतलब क्या होता है नीचे का, तो एलिवेशन मतलब ऊपर का। तो हम लोग को क्या है, एक ट्री है, तो सपोज मान लेता हूं मेरा क्या है, एक ट्री है, एक क्या होगा ट्री होगा, अब ट्री से कितना मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस है, तो सपोज मान लिया मैं ये हमारा क्या होगा 10 मीटर डिस्टेंस होगा, कितना मीटर 10 मीटर डिस्टेंस होगा। अब 10 मीटर डिस्टेंस हो जाने के बाद हम लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कहाँ, एकदम टॉप पे, तो टॉप से एक एंगल लाइन आएगा, आया लाइन, तो ये जो टॉप का है यहां से, तो ये जो एंगल बना है कितने का बना है, 60, इलिवेशन में आपको बताया था, तो ये कितने का बना है 60 डिग्री का बना, ये हमारा 90 का है, नॉर्मल सा है 90 का बनेगा। तो देखो अभी इसको एक नाम दे देते हम लोग, ए बी सी एंगल नाम दे दिया बस। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यही बोला था हम लोग को एक ट्री है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 10 मीटर दूर से खड़े होकर और उसके एकदम टॉप पे, तो हम लोग को एक एंगल बनता है कितने का, 60 डिग्री का बनता है। तो हम लोग को देखो नीचे बनाना है ऊपर बनाना है, इससे हम लोग को पता चलेगा हम लोग को क्या बोला, एलिवेशन मतलब क्या होता है ऊपर का, तो हम लोग कैसे बनाए, ऊपर का बनाए एकदम टॉप का, क्लियर होगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करने को बोला, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, उसका हाइट फाइंड करना, मीन्स इसको ये जो होता है ये हाइट है, इसको हम लोग को क्या करना, फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो हम लोग लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, देखो हम लोग का क्या है ए बी, ए बी हमारा क्या है हाइट, आप इसको लिख सकते हो हाइट ऑफ द ट्री, ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो आपको लिखा हाइट ऑफ द ट्री, लिख सकते हो आप नॉर्मल सा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग को पता है क्या पता है, देखो कितने हाइट का पता चल गया, अब दूसरा क्या है हम लोग का एंगल, कितने मीटर डिस्टेंस पे खड़े, तो हम लोग को कितने मीटर पे खड़े, बी सी मीन्स क्या, बी सी इक्वल टू कितना मीटर, 10 मीटर, ये आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ क्या है हम लोग का, डिस्टेंस क्या हम लोग के बुक में लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्री, डिस्टेंस कितने दूरी से हम लोग क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ट्री को, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 10 मीटर दूरी से हम लोग खड़े होकर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मतलब कितने मीटर से, 10 मीटर से खड़े होकर हम लोग ऑब्जर्व कर, इसको लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग का मेन क्या है, एलिवेशन ऑफ एंगल, कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन तो क्या है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल बन रहा है, तो एक देखो कभी भी एंगल कैसा होता है, थीटा का होगा, हाँ बराबर, कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी नहीं बन रहा है, बी सी ए एंगल बन रहा है, क्योंकि एंगल ए है तो एंगल बी क्या आता है, क्या बनता है बी सी ए एंगल बना, कितने का बना, डिग्री कितना है 60 डिग्री हो गया। इतना होने के बाद आपको कुछ देखो आपके बुक में लिख के दिया है, टेक्स्ट बुक आप ओपन करके रखोगे तो आपको समझ में आएगा, लिख के दिया उसके बाद आपको कुछ दिया है फिगर का लिखा, तो आप देखो पता है कि एक कौन सा जो फर्स्ट लेक्चर आप लोग को पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, पता था आपको। तो इसमें क्या देखो ए 90 के सामने वाला क्या होता है,
ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। अब ये क्या होता है? एंगल हम लोग का कहाँ है? थीटा है। यहाँ थीटा के सामने वाला क्या होता है? अपोजिट होता है। बाजू वाला क्या होता है? एडजेसेंट होता है। तो इसमें हम लोग को क्या थीटा ए है। अब ये थीटा है तो मीन्स हम लोग का इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? निकालना है हाइट दिया है तो हम लोग को कौन सा लगेगा? टेन थीटा का लगेगा। तो देयर फोर टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। देखो आपके बुक में फॉर्मूला लिखा नहीं है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। क्यों? आपको पता चला टेन थीटा लगाएंगे क्योंकि थीटा यहां है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? अपोजिट होता है। और इसके बाजू वाला क्या होता है? एडजेसेंट। 90 के सामने वाला है। जब हाइपोटेनियस छूट गया तो बचा कौन सा है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मींस अपोजिट अपॉन सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हमारा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड का क्या होता है? टेन थीटा का होता है। अब थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का 60 है तो मैं लिख सकता हूँ टेन 60 डिग्री इक्वल टू। अब देखो अपोजिट साइड क्या है? मीन्स ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी हो गया। अब देखो आप इसका वैल्यू रख दो, टेन 60 का वैल्यू कितना है? तो टेन 60 का आपको पता होगा, लेक्चर सेकंड में मैं बताया था। तो आपको कितना है? तो आपको दिया भी रहेगा आपके बुक में, आपको पता चल जाएगा कितना है। टेन 60 का आता है रूट थ्री आएगा। कितना है? रूट थ्री इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया। ए बी की जगह आप हाइट लिख सकते हो क्योंकि ए बी हमको क्या निकालना? हाइट निकालना है। बी सी का वैल्यू कितना दिया? 10 हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एच निकालना है तो इसको इस साइड लाऊंगा तो रूट थ्री इंटू 10 इक्वल टू एच इतना हुआ। अब इसके बाद मैं इधर करता हूँ। देखो अभी 10 का इसमें इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? बट देखो इतना करने के बाद हम लोग को कुछ दिया है। क्या दिया? रूट थ्री इक्वल टू 1.73 दिया है। हाँ दिया है तो मैं लिख दूं 1.73 इंटू 10 इक्वल टू एच लिख दिया। अब 10 से जब इंटू करोगे तो एक पॉइंट इधर सरक गया, मीन्स 1.73 इक्वल टू एच हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर एच इक्वल टू 1.73 मीटर। हाँ इतना लिख सकते हैं। और आंसर में लास्ट में क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे? फाइंड क्या करना था? हाइट ऑफ द ट्री। तो मीन्स हमको यही निकालना था तो हम लोग लिख देंगे हाइट क्या है? हाँ हाइट हाइट ऑफ द ट्री कितना है? 70.3 मीटर। बस यही तो हमको निकालना था। आपको मैं रिटर्न एक बार समझा देता हूँ इसको। अभी देखो हम लोग को क्वेश्चन देखो अभी एक बार सॉल्व कर दिए, आपके बुक में भी लिखा है और उसके बाद देखो ध्यान से देखोगे और टेक्स्ट बुक देखोगे तो एकदम अच्छे समझ में आएगा। एंड ऑब्जर्व एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री। एक कोई ट्री है जो हम लोग 10 मीटर दूरी पे खड़े होकर हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कहाँ पर? फ्रॉम अ ट्री लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, मीन्स कहाँ पर कर रहे हैं? एकदम टॉप पे, जहाँ पर एकदम ए हमारे ट्री के एकदम टॉप पर से हम लोग 10 मीटर डिस्टेंस से खड़े होकर इस पर क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम लोग को बनता क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो क्या बनता है? 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है। तो बन गया, बना दिया मैं आपको लोग। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? तो हाइट कितना होगा ट्री का? तो वही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को दिया है रूट थ्री इक्वल टू 1.73 दिया है। तो अब हम लोग को करना क्या है? ए बी इक्वल टू एच, ए बी इक्वल टू एच, यही हम लोग को फाइंड करना हाइट ऑफ द ट्री हो गया। फिर उसके बाद बी सी, बी सी हम लोग का कितना है? 10 मीटर हमको दिया है। हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन है तो एंगल यहाँ है, तो एंगल को हम लोग को अभी कोई भी चीज आएगा तो उसका थीटा में ही आएगा क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अभी ऐसा कुछ भी रहता है उसमें थीटा में ही आता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? थीटा। अभी इक्वल टू बी सी है, कौन से एंगल में? बी ए बी सी में नहीं आएगा, क्यों? एंगल यहाँ है तो बी सी ए आएगा। तो क्या आएगा? बी सी इक्वल टू कितना? 60 डिग्री होगा। अब हम लोग को क्या पता चला? एक कौन सा? टेन थीटा है। क्यों? क्योंकि अपोजिट अपॉन क्या है? एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। तो 10 थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 60। अपोजिट साइड ए बी, एडजेसेंट साइड बी सी हो गया। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 10 60 क्या होता है आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा रूट थ्री। और ए बी का वैल्यू कितना हम लोग लेट के? एच। एंड हम लोग को बी सी इक्वल टू 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर, क्रॉस नहीं डिवाइड में, तो इधर आएगा इंटू हो जाएगा हुआ। अब हम लोग को पता है रूट थ्री का मान कितना? 1.73 दिया था, उसको
रख दिया इंटू 10, अब 10 से करूंगा तो 0.1 इधर से रख के आ जाएगा इक्वल टू 8। इतना होने के बाद आपको पता चल गया एच इक्वल टू 17.3, मतलब 17.3 मीटर आ गया। तो आप आंसर में लिख दो हाइट ऑफ द ट्री 17.3 मीटर, लिख लो इसको। मिनट रुका रहा, अभी देखो हम लोग का क्या सॉल्व एग्जांपल का सेकंड, अभी फर्स्ट वाला हो गया, आप लोग लिख ले। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन पहले समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये क्या हम लोग को टॉप ऑफ बिल्डिंग, अभी उसमें क्या था पेड़ के नीचे खड़े होकर हम लोग एकदम टॉप पे देख रहे थे, किसके पेड़ के, बट इसमें क्या है बिल्डिंग के एकदम टॉप पे जाना है। कहाँ पर, बिल्डिंग के एकदम टॉप पे जाना है। एंड ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर पार्केड एट सेम डिस्टेंस अवे, मतलब क्या होता है कि हम लोग को एकदम बिल्डिंग के ऊपर जाना है और उसके बाद देखना है कहाँ नीचे देखना है और कहाँ पार्क, तो होगा नहीं स्कूटर ऊपर, होगा तो नीचे और पार्क होगा, तो उसको हम लोग को देखना है। मेक एन एंगल इन डिप्रेशन ऑफ 30, मतलब डिप्रेशन मतलब उस दिन बताया था आप लोगों को क्या होता है नीचे का एंगल बनेगा, तो क्या होना चाहिए 30 का है। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, और बिल्डिंग का जो हाइट है कितना 40 मीटर है, फाइंड हाउ फॉर द स्कूटर इन फ्रॉम द बिल्डिंग, मीन्स हम लोग का बिल्डिंग से स्कूटर कितनी दूरी पर, यही बताना। इतना समझा, अब रिटर्न एक बार समझाता हूँ उसको, फिर उसके बाद उधर देखो डायग्राम में कैसे बताया हूँ वे बताता हूँ आपको। फ्रॉम द हम लोग को टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, हम लोग को एक बिल्डिंग के ऊपर जाना है एकदम टॉप पे, सपोज हम लोग यहाँ पर है। अभी आपको एक बार पढ़ के बता दिया क्या है उसके बारे में, अभी एक देखो ध्यान से, बिल्डिंग है उसके एकदम टॉप पे हम लोग खड़े, कहाँ पर, ये हमारे जो है टॉप है एकदम बिल्डिंग का एकदम टॉप है। उसके बाद क्या, एंड ऑब्जर्व इज लुकिंग एट द स्कूटर पार्केड एट सेम डिस्टेंस, हम लोग को अबे मतलब हम लोग को यहाँ से क्या कर रहे हैं डिस्टेंस देख रहे हैं किसको, पार्क हुआ स्कूटर को, तो यहाँ से जो देखते हैं उसे हम लोग, मैं बताया था उस दिन बताया था क्या बोलते हैं आप लोग को पता ही है। अब उसके जो नीचे एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, कौन सा बोलते हैं डिप्रेशन। तो अभी नीचे एंगल बना, देखो मैं बताया था आप लोग को इसके पहले वाले में कुछ अलग था, अभी इसमें क्या है डिप्रेशन, तो आपको समझ में आना चाहिए डिप्रेशन बोला मीन्स किधर एंगल बनेगा, नीचे बनेगा, ये समझ में आ रहेगा। अब उसका देखो कितने का 30 डिग्री का, कितने का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। इतना होने के बाद हम लोग को क्या बोलता है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 40 मीटर, मतलब ए से ए 30 का डिग्री बना, अब कहाँ तक लाइन जाएगा पता नहीं था आपको, बट हमको पता है कि कितना 40 मीटर का बिल्डिंग है, कितने मीटर का 40 मीटर का बिल्डिंग में से यही कहीं जाएगा 40 मीटर के। अब ए लाइन खिंचाएगा तो ए लाइन जमीन से ए स्कूटर, तो एक जमीन पे रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हॉरिजेंटल हो जाएगा, ऊपर वाला जो हम खड़े होकर जहाँ से देखते हैं हमारा क्या होता है हॉरिजेंटल, जहाँ देखते हैं उसके बाद ऊपर देख रहे हैं नीचे डिसाइड करता है। अब नीचे देख रहे थे डिप्रेशन में, तो हम लोग को 30 डिग्री का बना बन गया, और 40 मीटर का हमारा क्या होगा बिल्डिंग का हाइट होगा, इतना होगा। तो अभी देखो उसके बाद क्या बोलता है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर फाइंड हाउ फॉर द स्कूटर इन फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब तब हम लोग को बिल्डिंग से स्कूटर कितनी दूरी पर खड़ा है, हम इस हाइट पे खड़े होकर देखते हैं तो हमको पता चलता है 30 डिग्री का हम लोग का एक एंगल बनता है डिप्रेशन में मीन्स नीचे, और ये 40 डिग्री का है, तो हम लोग का कौन सा मतलब बिल्डिंग से और स्कूटर के बीच के डिस्टेंस जो है उसी को हम लोग को क्या करना फाइंड करना। तो मैं देखो आप लोग लिख ले ए बी सी, एक एंगल दे दिया, फाइंड करना हम लोग को एक्स, तो हम लोग देखो मैं बनाकर अभी इसके लिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि अगर मैं लिखूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ लिख दिया हूँ आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा, बेसिक जो है मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखो लिखा का रूट में 3 इक्वल टू 1.73 हमको दिया है, तो देखो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी इज द बिल्डिंग, आपको पता है ए से बी हमारा क्या है बिल्डिंग है, पता है इतना क्लियर हुआ। ए स्कूटर इज एट सी, हम लोग का ए जो हमारा क्या है बिल्डिंग का टॉप है और सी हमारा क्या है स्कूटर है, तो स्कूटर सी क्या बोला, ए स्कूटर इज एट सी, मतलब ए से हम लोग क्या कर रहे हैं सी पे देख रहा है विच इज एक्स, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ए से सी पर देख रहे हैं, मतलब बिल्डिंग से और एक्स के बीच की दूरी हम लोग को क्या करना निकालना है, क्या बोला एक्स मीटर है, क्या है एक्स मीटर है। अवे फ्रॉम द बिल्डिंग हम लोग को ए इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्व, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, खाली कुछ नहीं करना है जो बोला बस वही लिखना है, मतलब ए से सी है जो आपको पता चल गया ए हमारा टॉप है और सी हमारा क्या स्कूटर है, हम लोग को 40 मीटर दिया है और फाइंड करना है बी से सी के लिए, तो हम लोग को एक्स मीटर, हम लोग को किस में आएगा मीटर में आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे एक्स मीटर, ये समझ में आए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहेगा रहेगा, तो अभी इतना होगा। अब उसके देखो कि ए बी इज द
हॉरिजेंटल लाइन, अभी मैं बताया ए ए बी है कि ए एम है, एक मिनट सॉरी ए एम है, ए एम इज द हॉरिजेंटल लाइन, मीन्स ए एम आपका क्या है हॉरिजेंटल लाइन। मैं बार बार बता रहा हूं, जो खड़े रहते जहां पर ऊपर देखे या नीचे, बट जिधर खड़े हुए हमारा क्या हॉरिजेंटल, ए एम इज द हॉरिजेंटल लाइन एंड एम ए सी का, एम ए सी हम लोग का इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब हम लोग को एम ए सी एक एंगल कौन सा बन रहा है डिप्रेशन वाला, आपको पता है। उसके देखो एंगल एम ए सी कौन सा एंगल, एम ए सी एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी ये दोनों ध्यान से आर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आप लोग आठवीं में भी पढ़े हो, नौवीं में भी पढ़े हो, आपको अल्टरनेट एंगल क्या होता है, देखो दो एंगल रहता है, दो लाइन पैरेलल लाइन, उसमें जो एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती है अंदर का इंटीरियर अल्टरनेट होता है, एक अल्टरनेट, अल्टरनेट मीन्स जो ए लाइन खींचते हैं, ए लाइन जो देखो ए बी दो लाइन गई है तो क्या पैरेलल लाइन है, इसमें अल्टरनेट बोला है मीन्स अल्टरनेट एंगल है, तो आपको कैसे अल्टरनेट होगा, तो पता है इस साइड रहेगा उसका इस साइड एंगल बनता है अल्टरनेट में, तो वही होता है क्या होता है अल्टरनेट एंगल। अब उसके बाद अल्टरनेट के बाद आपको क्या समझ में आएगा इसके आगे, देखो अभी हम लोग को बना ए फाइंड करना, हमारा क्या 90 का है, नॉर्मल सा 90 का ही रहेगा राइट एंगल, तो अभी ये दिया है ए दिया है, तो अब इसके सामने क्या रहेगा हमको फाइंड ए करना है, तो ए थीटा है तो 10-30 दे दिया, क्या दिया 10-30। अब हम लोग को 10-30 तो मीन्स हम लोग को ए बी और बी सी, तो जो भी है वैल्यू रख दो, तो हम लोग को पता है क्या पता है कि 10-30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ए आप लोग को पता है, ए बी का वैल्यू कितना है 40 और बी सी का वैल्यू कितना है x होगा। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्योंकि इसके तो इसका इसमें इंटू करोगे x इक्वल टू 40√3 आया, इतना होगा। इतने के बाद हम लोग को क्या करना है x इक्वल टू, अब देखो 40√3 में कुछ दिया है क्या, √3 का 1.73 इतना होगा। अब आप लोग को पता है क्या पता है कि आपको इंटू करना है, इसका इंटू इसमें करोगे तो आप लोग को पता चलेगा 69.20 मीटर किसमें आएगा मीटर में, ये हमारा क्या हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या है, x हम लोग क्या लेट किए, हम लोग x किसको लेट किया है स्कूटर को, किसको लेट किया है स्कूटर को, तो हमारा क्या हो जाएगा x निकल जाएगा, तो हम लोग आंसर में क्या रख देंगे एक मिनट, द स्कूटर इज जो भी आया आपका 69.20 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बस यही क्वेश्चन हम लोग को बोला है, इतना ही बोला था। अब आपको एक बार रिटर्न में पूरा एक बार फटाफट समझा देता हूं, देखो इसको आराम से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इसमें हम लोग को क्या है, देखो दिया था एक कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एकदम टॉप पे हम लोग को खड़ा होकर नीचे की तरफ हम लोग को देखना है और एक स्कूटर खड़ा है, तो हम उसको देखते थे हम लोग को एक 30 डिग्री का एंगल बनता है, और वह 30 डिग्री का एंगल बनने के बाद वे दोनों के बीच बिल्डिंग और स्कूटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, बस बाकी और कुछ करना नहीं हम लोग लेट किए, यही चीज़ जो लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं मीन्स जो जो हम लोग है उसको लिखना है बस, ए बी इज द बिल्डिंग, ए से बी हमारा बिल्डिंग है, फिर ए स्कूटर है इज एट सी विच इज, सी को हम लोग क्या कर रहे देख रहे हैं एक्स मीटर, सी को सी जहाँ स्कूटर, तो हमारा एक्स मीटर होगा, मतलब बिल्डिंग से स्कूटर के बीच की जो रहेगी एक्स मीटर में रहेगी। अब ए फ्रॉम द बिल्डिंग, ए इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्व, मतलब ए इसके पोजीशन से हम लोग क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद ए एम इज द हॉरिजेंटल लाइन, ए एम हमारा जो है हॉरिजेंटल लाइन है, एंड एम ए सी कहाँ है, एम ए सी एंड एम ए सी इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एम ए सी एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं आपको इससे पहले बताया डिप्रेशन में क्या होता है कि नीचे का बनता है, तो आप लोग को डिप्रेशन मतलब समझ में आ रहेगा, एंगल एम ए सी एंड एंगल ए सी बी
आर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को अभी जस्ट पहले मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझा दिया था, ये होगा अल्टरनेट। उसके बाद हम लोग को पता चल गया यहाँ 10 दिया यहाँ दिया, हम लोग को फाइंड इसका करना है, तो ये थीटा का जो भी वैल्यू रहता है उसी से निकालते। तो अभी ये किससे निकलेगा, तो थीटा 30 है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 10 30 ए बी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बी सी लिख लिया। 10 30 का मान 1/√3 होता है, ए बी का वैल्यू 40 बी सी का x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, हो गया। अब उसके बाद हम लोग को पता चल गया 40 का, लेकिन रूट थ्री का कुछ वैल्यू दिया था आप लोग को 1.73 रख दिया, इंटू करने पे आ गया, लास्ट में आंसर में लिख दोगे द स्कूटर इज 69.20 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से 69.20 मीटर पे क्या है स्कूटर खड़ा हुआ है। आपको समझ में आ गया रहेगा। आज के लिए यही 2 क्वेश्चन, अभी इसके बाद जो भी रहेगा आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर में आगे का क्वेश्चन कराऊंगा।